की तैयारी में है जो जंग के बीते 14 महीनों में नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस ने काला सागर में 32 कैलिबर मिसाइलों से लैस 4 जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं, जिनका मकसद सिर्फ एक है, यूक्रेन पर हमला। काला सागर पर पुतिन की ऐसी पकड़ है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 2 महीने पहले की ही बात है, मार्च में अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन काला सागर के ऊपर गश्त लगा रहा था, लेकिन अपने बगल में अमेरिका के ड्रोन को देखते ही रूस तमतमा उठा और उसके फाइटर जेट ने अमेरिका के ड्रोन को ऐसी टक्कर मारी कि वो काला सागर में क्रैश ही हो गया। तो जब रूस ने अमेरिका को नहीं छोड़ा तो यूक्रेन तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसने अपनी जिन कैलिबर मिसाइलों को काला सागर में उतारा है वो परमाणु बम दागने में भी माहिर है, और जंग छिड़ने के वक्त से ही रूस ने यूक्रेन पर कैलिबर दाग दाग कर उसके शहरों को तबाह कर दिया। इस बीच रूस ने आरोप लगाया कि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के पीछे अमेरिका का हाथ। रूस का यह भी दावा है कि पुतिन की हत्या करने के लिए ड्रोन अटैक से हमला करने की साजिश बाइडेन ने अमेरिका की राजधानी Washington DC में बैठकर रची थी। यानी रूस ने खुलकर कह दिया कि क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के पीछे अमेरिका का हाथ है, जबकि हमले के तुरंत बाद ही पुतिन ने यह आरोप लगाया था कि ज़ेलेंस्की के इशारे पर ही मॉस्को को निशाना बनाया गया। हालांकि उस दौरान ज़ेलेंस्की ने पुतिन के लगाए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि यूक्रेन के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो मॉस्को में घुसकर रूस के राष्ट्रपति भवन पर हमला कर सके। ज़ेलेंस्की के इस बयान के सामने आने के कुछ घंटों बाद रूस ने यह आरोप लगाया कि पुतिन की हत्या करने के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक की साजिश अमेरिका ने रची थी और बाइडेन के इशारे पर ही मॉस्को पर इतना बड़ा हमला किया गया। क्रेमलिन पर हमले की खबर आने के बाद यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। और रूस का दावा है कि ड्रोन अटैक के फौरन बाद अमेरिका में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। उस बैठक में अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति बाइडेन भी मौजूद थे, जिसमें उन्हें क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक की पूरी जानकारी दी गई थी। यही नहीं, रूस का दावा है कि इस बैठक में बाइडेन ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने का भी आदेश दिया था, क्योंकि इस बात की आशंका तेज हो गई कि हमले से बौखलाए पुतिन अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर यूक्रेन की ये जंग वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। रूस के मीडिया का दावा है कि अमेरिका रूस की बढ़ती ताकत से घबराया हुआ है और इसीलिए वो यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। जंग में पुतिन को रोकने के लिए अमेरिका यूक्रेन को न सिर्फ पैसों से मदद कर रहा है बल्कि वो लगातार एक से बढ़कर एक हथियारों की भी सप्लाई कर रहा है, ताकि किसी भी तरह जंग में पुतिन की सेना को हराया जा सके। रूस के मीडिया के मुताबिक अमेरिका के ही उकसावे पर ज़ेलेंस्की क्राइमिया को रूस से छीनने की हुंकार भर रहे हैं, यहां तक कि वो क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। जबकि ज़ेलेंस्की ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि क्राइमिया को बचाने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। रूस के मीडिया का दावा है कि इसके बाद भी ज़ेलेंस्की बाइडेन की शह पर क्राइमिया को जीतने का सपना देख रहे हैं। मतलब अमेरिका न सिर्फ रूस को घेरने में जुटा है बल्कि वो क्राइमिया को भी रूस से अलग करने की कोशिश में है। लेकिन अमेरिका जानता है कि जब तक पुतिन राष्ट्रपति हैं तब तक ना तो क्राइमिया रूस से अलग होगा और न ही रूस अमेरिका के आगे घुटने टेकेगा। इसीलिए रूस के मीडिया का दावा है कि पुतिन को रास्ते से हटाने के लिए बाइडेन ने उनकी हत्या की साजिश रची, जिसके लिए उन्होंने पुतिन के दफ्तर पर ड्रोन से हमले का प्लान तैयार किया। रूस के मीडिया का कहना है कि बाइडेन के भेजे दोनों ड्रोन मॉस्को में क्रेमलिन तक पहुंच भी गए थे, लेकिन वक्त रहते पुतिन की सेना ने दोनों को मार गिराया। रूस का दावा है कि इसी वजह से पुतिन की हत्या करने की बाइडेन की साजिश धरी की धरी रह गई। रूस का यह भी कहना है कि ड्रोन अटैक फेल होने के बाद से ही बाइडेन डरे हुए हैं। वो इस बात से खौफ में हैं कि हमले का बदला लेने के लिए पुतिन कहीं अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान न कर दें।